परिचय के साथ आज के जो आपकी बैठक इसके बारे में बताइए। रमाकांत बारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बारी समाज, एक परिचय यहाँ पर हो रही है। हम लोग भारतीय बारी समाज के एकता के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बारी समाज जो है बहुत ही विकसित है, बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा है। इनके यहाँ स्वैच्छिक योग्यता है, बहुत कम है। हमारा ना कोई IAS है, ना PCS है, ना कोई अधिकारी है ऐसा, ना MLA है, ना MP है। हमारे यहाँ जागरूकता बहुत कम है। सरकार भी हमारे लोगों की तरफ बहुत ध्यान नहीं देती। सेवाएं तो हम लोग बहुत किए और सेवाएं आज भी लेने के लिए तैयार है वो, मगर काम के लिए कुछ भी नहीं। इस विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा के लिए गठित हुए हैं। मैं अनूप बारी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय बारी समाज। मेन मोटो क्या है? मेन मोटो है आज बारी समाज का मुद्दा आज ये है कि आज हमने जितने ही संगठन उत्तर प्रदेश में सबको बुलाए हैं और मैं अपने संगठन का विस्तार भी यहाँ कर रहा हूँ और सबको बुलाएं कि हम लोग एक महागठबंधन बनाने के प्रयास में हैं। अब क्योंकि आज हमें 12 नवंबर 2018 महामहिम राज्यपाल महोदय से बुला गया, हमारे समाज के ऊपर जितने भी उत्पीड़न हो रहे हैं, हमारा कोई राजनीतिक स्तर पर कोई अच्छी मजबूती नहीं है, इस पर चर्चा हम लोगों ने किया है। और हमारे समाज के राजा थे राजा सुधीर सिंह बारी, उस पर किले पे एकदम जर्जर है, उस पर हमने उसकी बात की। महामहिम राज्यपाल महोदय से भी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की शिक्षा को लेकर और आर्थिक परेशानी हमारे समाज को जा रही है उसके लिए, और हम लोग SC कैटेगरी जा रहे हैं हमारे उसके बारे में चर्चा करके अपनी मांग के लिए उस पर हम लोग मीटिंग बुलाए। संरक्षक भारतीय बारी समाज आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि बारी समाज के लोगों को राजनीति के क्षेत्र में प्रतिभागिता स्वीकार करें और हमारे समाज के लोगों को किसी भी पद पर आसीन करके बारी समाज को सम्मानित करें और आर्थिक क्षेत्र में जो हमारे समाज उपेक्षित है, शैक्षिक क्षेत्र में जो हमारा समाज उपेक्षित है, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ। जी बताएं। मेरा नाम अनूप बारी है, मैं भारतीय बारी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारा समाज पिछड़ा वर्ग में आता है। और हमारे समाज में राजा सुधीर सिंह बारी राजा हुआ करते थे, या रूपन बारी अलाउद्दीन का नाम आपने सुना होगा, उसमें सेनापति थे, और कीरत बारी का नाम आप सुना होगा, राजस्थान में थे, उदय प्रताप सिंह को बचाने वाले काम हो गए पन्ना धाय के साथ, उनकी अहम भूमिका थी। हमारे समाज के लोग अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं, उनकी शिक्षा में कमी थी, इसीलिए हम लोग ने आज यहाँ मान जो जितने भी उत्तर प्रदेश में संगठन छोटे मोटे हैं सबको बुलाए हैं। मेन कमेटी और कोर कमेटी की बैठक है और यहाँ हम अपने संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं और उसमें हमारे समाज में जितनी भी परेशानियां आए दिन हर जनपद में हो रही हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे समाज जो बारी मतलब आपको बता दें, बारी शब्द का इसका मतलब वो जल होता है। और हम रामायण काल में क्या कहता था, हम लोग शाश्वत ब्राह्मण हुआ करते थे। जैसे समय बदलता गया वैसे हम लोग बदलते गए, फिर इसके बाद हम लोग सिसोदिया में आ गए, राजस्थान में लोग सिसोदिया में, राणा प्रताप के समय हम लोग सिसोदिया में आते थे, फिर अभी आला रुदल समय हम लोग पिछड़ा वर्ग में आने लगे हैं, फिर बाद में आला रुदल को जब क्या कहता है उनकी कहानी हुई, आपने उनकी कहानी सुना होगा, उसमें रूपन बारी एक उनके सेनापति हुआ करते थे, तो रूपन बारी को वहाँ के लोगों ने काफ़ी डरा धमका के ऊपर कर दिया, तो हम लोग वहाँ से अपना जीवन यापन करने जंगल में चले गए। तो हम लोग बहुत खुददार किस्म के आदमी थे, तो किसी के आगे छुपते नहीं थे, तो हम लोग पत्तल का व्यवसाय किया वहाँ पे, तो पत्तल व्यवसाय आज भी वो देख रहे हैं आप, हर गली हर मोहल्ले में चला जहाँ बारी समाज होगा। और आप एक चीज़ बताएं, जहाँ बारी समाज होगा वहाँ पे रियासत होगी, वहाँ बारी समाज के लोग पाए जाएंगे आपको पूरे देश में। ये आज की मीटिंग का मेन मुद्दा ये था मुद्दा कि हम लोग SC में जाएंगे कि अल्पसंख्यक में जाएंगे कि हम लोग पिछड़े वर्ग में रहेंगे, इसको लेके हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। अभी हाल में 12 नवंबर 2018 को महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश के मिला गया था, फिर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला गया, अपनी बात बताई गई है। अब उसमें काफ़ी हद तक हमारी कुछ बातें सुनी भी गई हैं और कुछ अभी नहीं सुनी गई है, इसके लिए हम लोग फिर पुनः प्रयास करेंगे उससे मिला जाए। ये बताइए, बारी समाज आपने कहा कि ब्राह्मणों में आते थे, हाँ, फिर ब्राह्मण से जो है इनका परिवर्तन होकर के अब आप SC में जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे यहाँ समाज में क्या है कि बहुत ही शिक्षित नहीं है और आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर है, इसलिए हमारे समाज के लोग मांग रहे हैं SC की कैटेगरी का वो, तो हम लोग यही कह रहे हैं कि हमारी जो अपनी व्यक्तिगत राय है तो हम ये सोच रहे हैं कि हम पिछड़े वर्ग में रहें, जैसे झारखंड में हमारे समाज को 5%।